ऑनलाइन टीआरपी की 37वें हफ्ते की टॉप 10 शोज की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस हफ्ते भी नागिन 6 अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे बड़े बड़े शोज ने अच्छी रेटिंग्स हासिल की है। ऐसे में जल्दी से आपको बताते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 शोज के बारे में। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे नंबर 10 के पायदान पर आए शो से। तो इस पायदान पर है स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार में विद 25 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 9 के पायदान पर है जी टीवी का शो कुमकुम भाग्य विद 27 रेटिंग पॉइंट्स। 8वें नंबर पर आए शो की बात की जाए तो इस पोजीशन पर है जी टीवी का शो भाग्य लक्ष्मी 30 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। 7वां पायदान इस हफ्ते अपने नाम किया है मशहूर शो कुंडली भाग्य ने जिसने हासिल किए हैं 31 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं छठे पायदान पर है सब टीवी का कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसने हासिल किए हैं 34 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं राजन शाही का शो वो तो है अलविदा है इस हफ्ते नंबर 5 के पायदान पर और शो ने हासिल किए हैं 37 रेटिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में चौथे पायदान पर आए शो के बारे में बात करते हैं। तो इस पायदान पर है स्टार प्लस का शो इमली जिसने हाल ही में लीड लिया है। शो ने इस हफ्ते हासिल किए हैं 39 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं तीसरा पायदान अपने नाम किया है एकता कपूर के शो नागिन 6 ने। जी हाँ, इस हफ्ते भी नागिन 6 ने अच्छी रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं और शो को मिले हैं 42 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं दूसरे पायदान पर है स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है 44 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते के नंबर 1 शो के बारे में बात करते हैं। तो हमेशा की तरह इस हफ्ते भी नंबर 1 का खिताब अपने नाम कर लिया है राजन शाही के शो अनुपमा ने। जी हाँ, अनुपमा ने सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल की है जो कि है 45 रेटिंग पॉइंट्स। वेल, तो ये है इस हफ्ते के टॉप 10 शोज की ऑनलाइन टीआरपी रिपोर्ट। अगले हफ्ते हम एक नई ऑनलाइन टीआरपी रिपोर्ट के साथ एक बार फिर से जरूर हासिल होंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से शोज लिस्ट में बरकरार रहेंगे और कौन से हो जाएंगे आउट।